उत्पन्न हो इसकी भी जिम्मेदारी आप सबकी है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी जी ने उदयपुर में एक आह्वान किया जिसमें ये था कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी 9 अगस्त के महान दिवस पर। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हम इस यात्रा को जगह जगह कांग्रेस पार्टी निकालेगी, जिसके तहत ये मीटिंग रखी गई है। हमने 9 अगस्त को जट बहादुरपुर में ये यात्रा को शुरुआत किया था, लगातार हमारी चल रही है। 14 अगस्त को हम मिसरपुर से धनपुरा तक जो है इस यात्रा को फिर चलाने वाले हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी उस यात्रा में हमारे साथ सम्मिलित रहेंगे। उसी को लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों को, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उनसे सुझाव लिए गए कि किस तरीके से इस ऐतिहासिक दिन को, इस ऐतिहासिक दिवस को हम और जो है अच्छे से कर सकें। बीजेपी के घर तिरंगा जवाब क्या देंगे? देखिए, वो उनका अपना वो है, इसका जवाब बीजेपी दे सकती है। रही बात तिरंगे की आन बान शान को हमेशा से कांग्रेस ने समझा, तिरंगा को लाने से लेकर यहाँ तक कांग्रेस का योगदान रहा है देश के हर उसमें, और उसी को हम आगे ले जा रहे हैं। हम तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, और उसमें पूरा भारत जो है, देखिए आप टीवी में भी दिख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी है, देश के प्रत्येक कोने में जो है जनता जो है कांग्रेस के इस महाअभियान के साथ जुड़ रही है। अच्छा गांधी जी, ये बात बताइएगा कि हर घर तिरंगा बात समझ में आती है, तिरंगा मोल बिक रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये भाजपा क्यों करी, और जिस तरीके से कई लोग ऐसे हैं जो तिरंगा नहीं ले सकते, ये तो उनको खुद ही देना चाहिए। भाई सरकार है, अगर दें तो क्यों, कौन नहीं लगाएगा? तिरंगा तो हमारी शान का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, उससे बढ़कर हमारे लिए क्या है? प्राण भी अगर उसके लिए न्योछावर करने पड़ जाएं तो प्रत्येक भारतीय उसके लिए तैयार है। तो वो तो भाजपा को प्रत्येक नागरिक को वैसे ही देना चाहिए। हरिद्वार के प्रशासक चुनाव के दरमियान आपके समर्थक रहे हैं, उनको झूठे मुकदमे लगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनकी सोच को जताता है जो इस तरीके के हटकंडे अपना रहे हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसको जितना भी धिक्कारा जाए, मैं तो इसको धिक्कार ना कहती हूँ, जनता का मैंडेट है, जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी है, वो जिसके पक्ष में रही मैंडेट है, उनको इंतज़ार करना चाहिए। हम कांग्रेस को मैंडेट दिया यहाँ की जनता ने, कांग्रेस अच्छा काम करेगी आगे मौका मिलेगा, अच्छा कार्य नहीं करेगी जनता का जो भी निर्णय रहेगा उस सिरोधारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग कांग्रेस के समर्थन में आए या जो कांग्रेसी हैं उन पर झूठे मुकदमे। और सबसे दुखदायी बात ये है, जो मेरी प्रशासन में भी उस बात को लेकर बात हुई, मैंने शासन तक इस बात को ले जाने का, कि नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों को जिस उम्र में उनके हाथ में कलम की ताकत पकड़ाने की ज़रूरत है, जिस उम्र में उनके हाथ में काम करने की ज़रूरत है, जिस उम्र में ये सोचने की ज़रूरत है कि उनका कानून पर, उनका देश के लिए एक योगदान हो सके, उसकी ज़रूरत है, उस समय उन पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। उनको जानबूझ के एक शरीफ नौजवान बच्चों को, युवाओं को मुजरिम बनाया जा रहा है, इससे ज़्यादा निंदनीय यहीं पर इनका चाल चरित्र दिखता है कि किस तरीके से लोकतंत्र की, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। देश के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार संघर्ष करें महंगाई को लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, आप देख लीजिए पूरे देश में कहीं पर भी कोई नेता इतने मुखर होके नहीं बोल रहा, और जिस तरीके के हटकंडे बीजेपी अपना रही आवाज़ दबाने की, कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं। ये देश को बनाने से लेकर, इसकी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, एक व्यक्ति भाजपा का या बीजेपी का दिखा दीजिए, आरएसएस का, जो ये कहे कि हमने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। हम कांग्रेस की तो पीढ़ियां निकल गई, तो देश की आज़ादी से लेकर उसके बाद भी अगर देश की एकता अखंडता की बात थी तो अपनी सीने पर गोलियां झेली, बम ब्लास्ट तक में उड़ गए, लेकिन हमने कभी भी देश के मान को कम नहीं होने दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हर मुद्दे को, आज 1150-1150 रुपए के पार सिलेंडर हो गया है। मैं एक विधायक हूँ, महिला हूँ, महिला अधिकार से मुझे अंदर ले जाती, कहती है एक मिनट मेरी बात भी सुनना, मुझे लगता है पता नहीं कुछ और कहना चाह रही होंगी, सीधे सिलेंडर की बात करती है। अब उनको ये नहीं पता कि मैं विपक्ष में विधायक हूँ, वो सोचती है विधायक है ये हमारे सिलेंडर का दाम कम करा सकती है। उन्हें कैसे बताऊँ कि ये तो भाजपा का केंद्र ने
इतनी महंगाई थोप दी है। आज देख लीजिए तेल 250 रुपया पार हो गया है, एक आम आदमी के लिए तो खाना दुर्भर हो गया है। नौकरी देख लीजिए, हर युवा हर घर में एक बेरोजगार है क्या। मैं हरिद्वार ग्रामीण की बात करूं, 22 दिसंबर 2021 में भाजपा की सरकार थी जो अभी है इस राज्य में, उसने ये जियो पारित किया कि लालढांग में हमने सिटकुल स्थापित कर दिया। कहाँ है सिटकुल? आज भी तो 4-5 महीने होने जा रहे, बजट में कहीं पर भी उस सिटकुल का जिक्र नहीं था। हमारे महामहिम राज्यपाल जी का उद्बोधन हुआ प्रथम सत्र के जब होता है तो उसमें कहीं पर भी सिटकुल का जिक्र नहीं था। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जो उद्बोधन वो करते हैं, जो पूरी बात करते हैं, वो 5 साल में सरकार ने क्या कार्य किया उसका जिक्र करते हैं कि ये करने जा रहे हैं, ये कर चुके हैं। कहीं पर भी सिटकुल, इसका मतलब कितना बड़ा छल कर रही थी और जनता ये समझ चुकी थी कि ये छल है। और आज वो सिटकुल कहाँ है? मैंने ये सवाल तारंकित में लगाया कि वो सिटकुल जो प्रस्तावित किया गया था 22 दिसंबर 2021 में, वो सिटकुल कहाँ है? लेकिन उसको लिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसमें भाजपा बैकफुट पे थी। लेकिन मैं ये आवाज़ उठाऊंगी भी, सदन में भी उठाऊंगी। पहले उम्मीद है कि मुझे सदन में इस बात की चर्चा का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सड़क पे, क्योंकि वो जो नहीं कर रहे थे वो बोला, और जब बोल दिया है तो कर क्यों? तिरंगा यात्रा को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा को देख के लेकर मैं यही कहूँगी कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, उसमें सभी हमारे मेरे हरिद्वार ग्रामीण के देवतुल्य नागरिक, मेरे परिवार के जन उसमें सम्मिलित होंगे। आज हमने बैठक बुलाई थी, बहुत अच्छी बैठक हुई, सबने अपने मेरे वरिष्ठ जनों ने बहुत सुंदर इसमें सुझाव भी दिए, और ये एक बहुत ऐतिहासिक जो है यात्रा होगी। ठीक है।